दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी बीमारी की बात कर रहा हूं जो बीमारी का नाम अस्थमा, श्वास, लोग दम भी बोलते हैं। ऐसी एक बीमारी का शिकार सूरत में बहुत साल से दवाई ले रहे थे लोग, तो उसके पास से ये जानकारी लेने की आपको क्या प्रॉब्लम था और कैसे फायदा हुआ। नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है आपका? लताबेन। तो लताबेन, आपको क्या प्रॉब्लम था और कितने साल से था? दम की बीमारी बचपन से थी। बचपन से थी? हाँ, बचपन से थी। अच्छा, तो कौन सी दवा लेती थी? मैं डॉक्टर की दवा लेती थी पहले। अच्छा। बहुत डॉक्टर की दवा किया, फिर देसी दवा चालू किया। अच्छा। देसी दवा खाने के बाद मेरे को अच्छा लगता था। मध में लेती थी, पानी में लेती थी। अच्छा। हृदय की लेती थी, लीवर की पड़ी की लेती थी, श्वास खांसी की पड़ी की लेती थी। तो मतलब अलग अलग सभी दवा लेते थे। खांसी आने के, श्वास लेने के बाद मेरे को बहुत तकलीफ होती थी, तो ये खाने के बाद मेरे को अच्छा लगता था। कितने डॉक्टर की दवा ली होंगी? मेरा अंदाजे इतने डॉक्टर की लिया, मेरे को मालूम ही नहीं, बहुत डॉक्टर। अच्छा, डॉक्टर की जब दवा लेती थी आप, इंग्लिश दवा, तो आपको दवा लेते लेते क्या हो गया था? तो मेरे को हृदय, फेफड़ा, लीवर सब कमजोरी हो। उसकी वजह से क्या हो गया था आपको? सूजन आ गई थी। सूजन आ गई थी। अच्छा, दो बार दाखिल किया मेरे को। हाँ, तो दाखिल जब आपको किया था, मेरे को सीरियस हो गई थी। हाँ। सीरियस हो गई थी तो ज्यादा स्वाद चालू हो गया था। हाँ। तो मेरा भरोसा नहीं था, तो मेरे लड़के ने, बड़े लड़के ने दवाखाने में दाखिल किया। फिर मेरे को 8 दिन रखा, मेरे को बाटले ग्लूकोज के 26 बाटले चढ़ाए, इंजेक्शन चढ़ दिए। क्या जब तब खर्चा क्या हुआ था? 26,000 रूपए हुए थे। एक बार दाखिल करने का? एक बार दाखिल किया, दूसरी बार मेरे सिटीजन किया, सिटी स्कैन, फोटो निकाला। हाँ। सोनोग्राफी किया पेट का। तो जब मेरे को सब मालूम पड़ा तो बोले सब कमजोर हो गया है। मतलब अंदर का जो फेफड़े है, आपका हृदय है, किडनी है, सब कमजोर, लीवर सब कमजोर हो गया, उसकी वजह से सूजन आ गई। सूजन आ गई, बराबर है कि कमजोर हो गए तो सूजन चढ़ गई। हाँ। और फिर बाटला चढ़ाए तो ज्यादा सूजन हो गई मेरे। अच्छा, और डॉक्टर ने आपको बोला क्या था? बोले ये दम की बीमारी जाने वाली नहीं है। हाँ। ये तुम्हारे साथ ही जाने वाली है। अच्छा। ये श्वास की बीमारी जाती थी, सब डॉक्टर ने मेरे को मना कर दिया। अच्छा। कि बीमारी तुम दवा लेंगे उतना अच्छा लगेगा। हाँ। राहत मिलेगी। अच्छा। जब तक दवा का पावर रहेगा तुमको अच्छा लगेगा, दवा का पावर खलास हो जाए फिर तुम्हारे जैसे वैसे। सब डॉक्टर ऐसे बोलते थे? सब डॉक्टर। आपको होता है ऐसा ही था ना? हाँ, ऐसा होता था। चल फिर सकती थी क्या? नहीं, चलती भी नहीं थी। अच्छा। मैं पंप लेती थी। हाँ। जब बाथरूम जाती थी, जब नहाने बैठती थी, घर में मेरे को चढ़ाने जाता था, मैं खांसी श्वास ज्यादा चढ़ता था तो गोदड़े में सोती थी। अच्छा, आप सो सकते थे क्या? सो सकते थे आप? नहीं, नींद भी नहीं आती थी, सो सकती नहीं, ऊंधी सोती थी मैं। बराबर। क्या मतलब खांसी बार बार आ रही? हाँ, एक सर की खांसी आती थी, एक सर की खांसी श्वास। हाँ। क्या दवा लेने से अच्छा लगता था। हाँ। फिर आखिर रात भर तकलीफ पुनः चालू हो जाती थी। अच्छा, तो आपको ठीक कैसे हुआ है? कौन सी दवा से ठीक हुआ है आपको? तो ये पाउडर का दवा लेने के बाद। अच्छा। मेरे को अच्छा लगा। दोस्तों, ये जो पाउडर आप देख रहे हैं वो कोई श्वास की या तो दम की बीमारी का पाउडर नहीं है। इधर लिखा हुआ है न्यूट्रिशनल फूड सप्लीमेंट, उसका मतलब ये होता है संपूर्ण आहार। रख दो नीचे। अभी ये पाउडर लेने के बाद आपको कैसा रहता है? मैंने पहली बार चालू किया तो 2 टाइम में पाउडर, 1 महीना लिया मैंने। तो 1 महीना पाउडर लेने के बाद क्या हुआ था? मेरे को दवा खाने की गरज पड़ी नहीं, मैंने पंप की गरज नहीं पड़ी। अच्छा। पंप भी बंद हो गया, दवाखाने की दवा बंद हो गई। अच्छा। क्या मेरे को तंदुरुस्त जैसे लगने लगा, मैं घर में चल फिर सकती है। अच्छा। मेरे को थक लगता नहीं, थकावा नहीं आता है। अच्छा। मैं 2-2 सीढ़ी चढ़ती है। अभी तुम 2 सीढ़ी की बात कर रही है। हाँ। तो पहले तुम लोग सीढ़ी चढ़ने के बाद, मतलब तुम सीढ़ी चढ़ सकती है या नहीं? नहीं, पहले नहीं चढ़ सकती, घर में नहीं चला जाता तो सीढ़ी कैसे चढ़ेगी आपको? और आपको जब बाहर जाना होता है तो बाहर आप जा सकती थी? नहीं जा सकती थी मैं। अभी बाजार में जाती है, बाजार लाती है। हाँ। क्या कभी कभी बाजार में जाती है मैं? और हमको सगे वाले के घर में जाना पड़ता है? तो लड़के के घर को जाती थी, लड़की को घर को जाती है। अभी थकावा नहीं लगता मैं, बिल्कुल तंदुरुस्ती लगती है। और खाना पीना कैसे लगता है? भूख लगती है। पहले दोनों तीनों टाइम भूख लगती है, पहले भूख भी नहीं लगती थी। खांसी सुबह से मेरे को बहुत तकलीफ होती थी, लीवर में सूजन आता था, इसके लिए मेरे को भूख नहीं लगती। अभी कैसा है? अभी अच्छा है। अभी अच्छा, ये पाउडर लेने के बाद अच्छा? पाउडर लेने के बाद। अभी एक टाइम ही लेते हैं? एक टाइम ले रहे हैं। अभी आपका जो सूजन है सब निकल गया? निकल गया। दोस्तों, आप देख रहे हैं उसके जो चेहरे की चमक है ना,
उससे पता चलेगा आपको कि सूजन बिल्कुल नहीं है और पूरा तंदुरुस्त उसका चेहरा दिख रहा है, बराबर है ना। ये पाउडर हम किसी को लेना चाहिए कि नहीं? और हाँ, लेना चाहिए, वो ले, मेरे को अच्छा हुआ, उनको भी अच्छा हो जाएगा, ऐसा आपका संदेश है? मेरा संदेश ऐसा है। अच्छा, कि मेरे को अच्छा लगा तो उनको भी अच्छा लगेगा। ये पाउडर लेने के बाद आपको तो संतोष है ना? हाँ, संतोष पूरा। हाँ।